हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता चौहान आज फिर आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है द नेकलेस और इसे लिखा है गाय डी मापासा ने और ये है गाय डी मापासा। आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी। आइए आपको थोड़ा कहानी के बारे में बता दूँ। अबाउट द स्टोरी, द स्टोरी नेकलेस थ्रोज लाइट ऑन ह्यूमन फोली ऑफ बींग इन्वॉल्व इन द मैड रेस ऑफ शाइनेस। यह जो कहानी है नेकलेस, यह दर्शाती है कि किस तरह से मानव जाति जो भीड़ है, जो पागलपन है, जो रेस है पागल शाइनेस की, उसके पीछे लोग किस तरह से पागल हो गए हैं और किस तरह से इस दौड़ में वह भाग रही हैं, दिखावे की दुनिया के पीछे किस तरह से वो लोग पड़े हुए हैं। समटाइम इट प्रूव्स वेरी फैटल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रूइंस वंस लाइफ। और कभी कभी तो यह जो दिखावे की दुनिया है ये इतनी गलत साबित होती है कि ये मानव जाति जो इंसान है इनकी लाइफ को ही यह समाप्त कर देती है, बर्बाद कर देती है बिल्कुल। बट द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स ऑनेस्टी थ्रू द मेन करेक्टर मैटिल्डा लॉयसर। परंतु इसी के साथ साथ यह कहानी जो इसकी मेन करेक्टर है मैटिल्डा लॉयसर, उसके द्वारा ऑनेस्टी पर भी, ईमानदारी पर भी यह लाइट डालती है, ईमानदारी को भी यह दर्शाती है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वह उन औरतों में से, उन खूबसूरत और जवान औरतों में से एक थी जिसे किस्मत की गलती के द्वारा, जो किस्मत की गलती के द्वारा एक क्लर्क्स की फैमिली में जन्मी हुई थी, जो क्लर्क्स की फैमिली में जिसका जन्म हो गया था किस्मत की गलती के द्वारा। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। और उस लड़की पर, उसके पास ना तो अच्छा दहेज था, ना ही आशाएं थी और ना ही कोई जरिया था ताकि वो वेल नोन हो सके, सब उसे जान सके और वो फेमस हो सके या उसे कोई प्यार कर सके या उसे कोई शादी कर सके, ऐसा इंसान जो अमीर हो या सबसे अलग हो। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इस वजह से उसने अपने आप को अलाउ कर दिया था अपनी शादी एक किसी क्लर्क के साथ, जो कि शिक्षा विभाग का एक क्लर्क था, उसके साथ अपनी शादी होने के लिए उसने हाँ कर दी थी, होने दी अपनी शादी उसने, होने दी, ये आप कह सकते हैं। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह बहुत ही सिंपल थी परंतु ना खुश थी, वो खुश नहीं थी। शी सफर्ड incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries। और वो लगातार दुखी रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, वो अपने आप को फील करती थी है कि वो डेलिकेसीज में और सभी जो ऐश्वर्यपूर्ण चीज़ें हैं उनमें जन्म लेने वाली थी। और यही सोच के वह कि उसमें इतनी नज़ाकतें हैं कि वो एक अच्छी फैमिली में जन्म लेती, अच्छी फैमिली में उसकी शादी होती, यही सब सोच के वह हमेशा निरंतर ही दुखी रहती थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। और वो हमेशा सफ़र करती थी, दुखी रहती थी, ये सब देख के बड़ी ही परेशान रहती थी, अपने अपार्टमेंट को देख के जहाँ वो रहती थी, उस घर को देख के, वहाँ की दीवारें जो गंदी दीवारें थी, शैबी वॉल्स थी, बदबूदार वॉल्स थी, गंदी दीवारें थी, और जो चेयर्स थी वो भी भद्दी थी, वहाँ की टूटी फूटी चेयर्स थी, उन सबको देख के वो परेशान रहती थी, लगातार ही परेशान रहती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर हर। और ये सभी चीज़ें उसको अंदर ही अंदर खा रही थी और वो गुस्सा दिलाती थी और उसके साथ साथ अंदर अंदर वो घुटती रहती थी और फिर उसको गुस्सा भी आता था इन चीज़ों को देख देख के। वेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरिंग विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग ओह द गुड पॉट पाई। और जब वह शाम के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, डिनर के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठती थी डाइनिंग टेबल पे और उसका हस्बैंड कवर उठाता था डिशेस का और बड़े ही खुशी के साथ कहता था ओह मालपुए, बहुत अच्छे मालपुए,
तो वो she would think of elegant dinners of shining silver, she thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. और उसके हस्बैंड देख के चीज़ें बड़ा खुश हो रहा था डाइनिंग टेबल पे कि माल को ये सर्व किए हैं इसने. तब वह सोचती थी उन डेली बिल्कुल जो शाइनिंग सिल्वर जो चांदी के चमकदार डिशेस होती थी उनमें बर्तनों में सर्व होने वाली अच्छी अच्छी डिशेस के बारे में जो मार्वलस डिशेस थी मार्वलस खाना था शानदार खाना था शाही खाने थे उनके बारे में वो सोचती रहती थी. और she had neither frocks nor jewels nothing और उसके पास ना तो फ्रॉक्स थी ना ही गहने थे उसके पास कुछ नहीं था. एंड शी लव ओनली दोज थिंग्स और वो इन्हीं सभी चीज़ों से ही प्यार करती थी. शी हैड ए रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड. और उसकी एक फ्रेंड थी जो उसके साथ स्कूल में भी पढ़ी थी उसकी स्कूल मेट थी वो हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट जिसके घर वह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब भी वह उसके घर से आती थी तो पूरा पूरा दिन वो उदास रहती थी रोती रहती थी और उसको पूरा दिन दुखी महसूस करना पड़ता था उसके घर से आकर इसलिए वह उसके घर कभी नहीं जाना चाहती थी. She wept for whole days from despair and disappointment और वहाँ से आके वो पूरा पूरा दिन रोती थी निराशा में उदासी में पूरा पूरा दिन रोती थी. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated bearing in his hand a large envelope और एक शाम उसके हस्बैंड जब घर आए ऑफिस से अपने तो उनके हाथ में एक बड़ा सा envelope था एक बड़ा सा लिफाफा था. Here he said, here is something for you और वो कहते हैं आकर मैटिल्डा से कि यह तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, the Minister of Public Instructions and Madam. और वह फटाफट एक उस लिफाफे में से एक कार्ड निकालती है जो छपा हुआ कार्ड था प्रिंटेड कार्ड था जिस पर लिखा था ये वर्ड्स द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉसल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. और ये इनविटेशन था कार्ड एक जिस पर जॉर्ज रैम्पोनियो की तरफ से ऑनर में उनके जनवरी 18 की शाम को एक पार्टी होनी थी जो मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल को इनविटेशन दे रहे थे तो ये एक इनविटेशन था उनके लिए पार्टी का. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. और बजाय खुश होने के जैसे उसके हस्बैंड ने सोचा था कि वो बहुत ही खुश होगी इस इनविटेशन को देख के वो खुश नहीं होती और कार्ड को फेंक कर मारती है टेबल पर और कुछ बड़बड़ाती है कि आपने क्या सोचा था मैं इसके साथ इस इनविटेशन के साथ क्या कर सकती हूँ. बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी परंतु उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि प्रिय तुम इसको देख कर खुश होगी. You never go out and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one. और मुझे लगा था कि तुम खुश होगी इस इनविटेशन को देख के जैसे कि तुम कभी बाहर नहीं गई और ये एक अच्छा मौका है बाहर जाने के लिए सभी लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं और ये मौका हमें मिला है ये एक खास मौका है जाने के लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए. एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट नॉट मैनी गिवन टू एम्प्लॉयज और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता बहुत ही सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो तुम खुश होगी मुझे लगा था. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर तुम पूरे वहाँ पर जो कर्मचारी है जो अधिकारी है उनको देख पाओगी वहाँ पर. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड और उसकी पत्नी मैटिल्डा जो है वो बड़ी ही उसको इरिटेशन भरी निगाहों से देखती है गुस्से में उसको देखती है. डिक्लेयर इम्पेशेंटली और गुस्से में कहती है What do you suppose I have to wear to such a thing as that? और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह की पार्टी में क्या पहन के जाऊँगी. He had not thought of that, he stammered. तो उसका पति कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा वो थोड़ा हकला कर बोलता है इस बात को कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि क्या पहनोगी तुम. Why the dress you wear when go to the theater? और फिर याद आता है उसको कि वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जो हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में जब पहनती हो तुम तो वो वाली ड्रेस.
It seems very pretty to me और ये मुझे बहुत ही वो वाली ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है वो पहनो तुम he was silent stupefied in dismay at the sight of his wife weeping और फिर उसकी वाइफ मैटिल्डा जो है वो रोने लगती है और उसके हस्बैंड बड़े ही बेवकूफों की तरह चुपचाप और निराशा में उसको देख रहे हैं कि वाइफ रो रही है और वो देख रहा होता है उसकी अपनी वाइफ को रोते हुए He stammered, what is the matter, what is the matter? और हकलाते हुए उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या हुआ? By violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, nothing. और बड़े ही effort से, बड़े ही उसने फिर थोड़ा मुश्किल से उसने अपने आंसुओं पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपने चीक्स को साफ करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं हुई कुछ नहीं हुआ Yes, and consequently, I cannot go to this affair. कहती है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इस वजह से मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकती मैं वहाँ नहीं जा सकती Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. और कहती है कि यह कार्ड आप अपने किसी साथी कर्मचारी को दे दीजिए जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा आकर्षक हो तो आप उसे ये दे दीजिए और वो रोने लगती है पर उसका पति उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं चलो इस बारे में विचार करते हैं और फिर वह कहती है She reflected for some seconds thinking of some that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened और फिर वो कुछ क्षणों के लिए सोचती है जब उसका हस्बैंड कहता है उसे कि चलो नहीं आप मुझे बताओ कि कुछ और देखते हैं कि कोई ड्रेस आ जाए कितने पैसे चाहिए तो वो फिर सोच के थोड़ा बताती है उसको पहले तो सोच रही है ताकि उसका हस्बैंड डरा हुआ है जो उसका हस्बैंड तो और निराश भी है साथ में तो वो उसको मना भी ना कर सके वो इतने पैसे सोचते हैं कि क्या बताऊं कि ताकि मेरे हस्बैंड मना भी ना कर सके मुझे और वो दे भी दे और थोड़ा सोच के फिर वह बड़ी ही शांत आवाज़ में कहती है From the economical clerk, finally she said, it is hesitating voice, I cannot tell exactly. और कहती है कि मैं अच्छी तरह तो नहीं बता सकती कि कितने पैसे लग जाएंगे मेरे को अनुमान लगा रही है वो यहाँ पे कि मैं but it seems to me, परंतु मुझे लगता है कि 400 francs ought to cover it, कि 400 francs मुझे काफ़ी होंगे एक नई ड्रेस खरीदने के लिए तो यहाँ पे काउंट करके बताती है कि मना भी ना कर सके मेरे हस्बैंड क्योंकि वो क्लर्क हैं कि दे भी दे मेरे को पैसे और 400 वो फ्रैंक्स उनसे मांग लेती है He turned a little pale for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer or हस्बैंड यहाँ पे थोड़ा सा पीला पड़ जाता है पैसे सुनकर कि 400 फ्रैंक्स क्योंकि उसने ये पैसे अपनी गन के लिए बचा के रखे थे ताकि वह अगली गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने जा सके तो उसने गन लेने के लिए ये पैसे बचा के रखे थे With some friends who went to shoot larks on Sunday, जो कि उसके फ्रेंड्स जाते हैं संडे में शिकार खेलने तो वो भी उनके साथ जाना चाहता था तो इसलिए उसने ये पैसे बचाए थे Nevertheless, he answered very well. फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है I will give you 400 francs कि मैं तुम्हें दूंगा 400 francs, but try to have a pretty dress, परंतु कोशिश करना कि एक अच्छी ड्रेस आ सके The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious or bored. जो ये पार्टी थी ये दिन पार्टी का आने वाला था आ गया था और मैम लॉयसेल सीम्ड सैड डिस्टर्ब और अभी भी वो निराश और लग रही थी और बिल्कुल ही वो डिस्टर्ब थी उसको खुशी नहीं हो रही थी जिस तरह से उसकी अब ड्रेस भी तैयार होने वाली थी लेकिन फिर भी वो निराश थी उदास थी और खुश नहीं थी वो Nevertheless, her dress was nearly ready, जबकि उसकी ड्रेस बिल्कुल तैयार होने की कगार पर थी वो तैयार होने ही वाली थी ड्रेस Her husband said to her one evening, "What is the matter with you?" और एक शाम husband पहचान लेता है उसको कि परेशान चल रही है कई दिनों से और पूछता है उसे कि क्या बात है क्या परेशानी है तुम्हें You have acted strangely for 2 or 3 days कि तुम 2-3 दिनों से मुझे अजीब सी लग रही हो अजीब सी तुम्हारे चेहरे पर एक परेशानी है तो क्या हुआ क्या बात होगी जो तुम इतनी परेशान हो
And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. और कहती है, आंसर करती है अपने पति की बात पे कि मुझे परेशानी है, मैं परेशान हूँ कि क्योंकि मेरे पास उस पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है और मैं किस तरह से अपने आप को और आकर्षित बनाऊँ, किस तरह से अपने आप को सजाऊंगी. I shall have such a poverty stricken look, और मेरी तो ये गरीबों वाली लुक रहेगी, बिल्कुल भी कुछ भी सजने के लिए मेरे पास नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो ये गरीब लगूंगी मैं तो इस लुक में. I would prefer not to go to this party, और मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए. He replied, you can wear some natural flowers, और वो हस्बैंड बोलता है कि तुम एक काम करो, नेचुरल फ्लावर्स की पहन लो, अपने उससे सजाओ अपने आप को. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और ये इस मौसम में तो वो तुम पर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, अच्छे अच्छे फूल हैं इस मौसम में, तो वो कोई भी लगा लो तुम पे बहुत ही अच्छे लगेंगे, वो आकर्षक लगेंगे. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, परंतु वह मानी नहीं. नो शी रिप्लाइड, उसने मना कर दिया और कहती है कि नहीं मैं नहीं. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कहती तुम्हें और कुछ नहीं मिला मेरे को मेरी बेइज्जती कराने के लिए, इतनी अमीर औरतों के बीच में मैं फ्लावर्स लगा के जाऊँगी और मेरी तो इससे बेइज्जती होगी, तो मना कर देती है इस बात को. Then her husband cried out, how stupid we are, go and find your friend ma'am Forrester and ask her to lend you her jewel. She uttered a cry of joy. और फिर उसके हस्बैंड को एक आइडिया आता है, उसकी जो फ्रेंड है मिस मैम फॉरेस्टर, उसके बारे में जो उसकी रिच फ्रेंड है, क्लासमेट है, उसकी स्कूलमेट है, उसके बारे में उसको आइडिया आता है और कहता है कि कितने बेवकूफ़ हैं हम भी, जाओ अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर के पास जाओ और उससे कोई उधार मांग लो, कोई ज्वेलरी उससे पहनने के लिए कुछ उधार में ले लो उससे. आस्क हर टू लेंड यू, कि वो तुम्हें दे देगी कुछ पहनने के लिए उधार, एक दिन के लिए दे देगी. शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और वो खुश हो जाती है ये बात सुनकर, उसको भी ये बात अच्छी लगी कि जाके अपनी फ्रेंड से ले आती हूँ एक दिन के लिए और फिर उसको वापस कर दूँगी, तो वो खुश हो जाती है ये बात सुनकर. तो यहीं पर हमारी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की समाप्त होती है. नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आप सबके सामने आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद.